जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत और फिर 3 घंटे के बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। दोस्तों कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन है, और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कमरिया में, जहां पर सत्य प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से नाग की मौत हो गई, और फिर जो उसके साथ हुआ वो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कमरिया नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करने अपना पालन पोषण करने आते हैं। दोस्तों एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहां के खेतों में पहुंच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने तो उन्हें देखा भी और उनके मन में इनका डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को वो नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया और फिर से बिना डर वो अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहर में सत्य प्रकाश अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था, तभी वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। नागिन को ढूंढते ढूंढते नाग उसी जगह पहुंच गया जहां खेत में सत्य प्रकाश फावड़े से काम कर रहा था, और अचानक से उसके फावड़े से कटकर नाग की मौत हो गई, क्योंकि उसका सर उसके फावड़े से कट गया था। ये देखकर सत्य प्रकाश के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले बाकी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। सत्य प्रकाश ने घबराते हुए बताया कि अपना काम कर रहा था मैं, और तभी अचानक से ये नाग मेरे फावड़े में आकर मर गया और उसका सिर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती करना है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे फावड़े से कटकर मर जाना तो मामूली सी बात है, इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों उसकी बातें सुनकर अन्य गाँव वासी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगे कि ये बात तो सही है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। उन सबकी बातें सुनकर अब सत्य प्रकाश की हिम्मत भी थोड़ी बढ़ गई और उसने फावड़े से उस नाग को उठाकर खेत की झाड़ियों में डाल दिया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो सभी इस बात से अनजान थी कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी होगी। शाम का समय हो रहा था और ऐसे में सभी लोग वहाँ से चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वही सत्य प्रकाश भी बेफिक्र होकर अपने घर खाना खाकर सो गया, लेकिन वो नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी, और वो अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उसके गांव में आ गई और सत्य प्रकाश के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुस गई। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप सा मच गया, सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो दिखने में बहुत ही भयंकर और डरावनी सी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को सत्य प्रकाश ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि सत्य प्रकाश को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से ना हो रहा हो। पुजारी ने सत्य प्रकाश से कहा कि तुमने उस नाग को अनजाने में मारा है, लेकिन उसे झाड़ियों में फेंक देना ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, अब तुम्हारी जान की दुश्मन वो नागिन बन चुकी है। पुजारी ने सत्य प्रकाश को मंत्रों का एक तावीज बनाकर दे दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये तावीज उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देगा। दोस्तों अब सत्य प्रकाश की उम्र 73 साल की है, लेकिन वो तावीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए आज तक वो उस नागिन के क्रोध से सुरक्षित हैं। दोस्तों
हमें कभी भी बेवजह किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे कोई हानि पहुंचानी चाहिए। लेकिन अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार जरूर करें। सत्य प्रकाश ने नाग का अंतिम संस्कार नहीं करा और यही उसकी गलती थी। उसने उसे यूं ही झाड़ियों में फेंक दिया, बल्कि उसे उसका आदर सत्कार से अंतिम संस्कार करना चाहिए था। दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में एक बार जयकारा हो जाए, बोलो हर हर महादेव। जब गंगा स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने आए स्वयं देवों के देव महादेव, और फिर जो हुआ उसे देख सभी भक्त भी कांपने लगे। दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार बुलंद शहर के पास में बह रही गंगा नदी में हुआ, जहाँ पर एक गाँव बसा हुआ है। यहाँ रोज गांववासी गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा नदी के ठंडे पानी का आनंद लेने आते हैं। दरअसल भीष्म गर्मी के दौरान अजय नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी स्नान करने सुबह के समय जाता है। इतना ही नहीं, अजय बचपन से ही महादेव का परम भक्त था, और जब से उसने होश संभाला तभी से वो महादेव का व्रत करता था। साथ ही वो हर सोमवार अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी पर स्नान करता और उगते सूर्य को अर्घ देकर वापस घर जाता और महादेव की पूजा अर्चना करके ही अपने दिन की शुरुआत करता था। एक बार अजय अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे सुबह करीब 4:30 बजे गया था। गर्मी का समय था तो नदी का ठंडा पानी उसे अच्छा लग रहा था। अजय नदी के अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते उन लहरों के बीच अजय फंस गया, जिसके चलते वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया। वहीं अजय के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपनी जान बचाकर नदी के तट पर पहुंच गए थे, लेकिन अजय उन लहरों के बीच फंस गया था। अजय को डूबता देख उसके दोस्तों ने गोताखोर और गांव वासियों को अजय के डूबने की सूचना दे दी, जिसके बाद नदी के तट पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं अजय भी मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और उसकी जान बख्शने की अरदास लगाने लगा। कुछ ही मिनटों में उसको नदी की लहरों के बीच एक साधु दिखाई दिए, जो अजय की तरफ ही आ रहे थे। वो साधु लहरों को चीरता हुआ अजय के पास पहुंचा और उसको अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराने लगा। सबसे हैरानी वाली बात तो ये रही, जब वो साधु अजय के पास पहुंचा, तब लहरें खुद ब खुद शांत हो गई और वो साधु उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी के किनारे तक ले गया। नदी के किनारे पे पहुंचकर उस साधु के पैर छूकर अजय ने अपना शुक्रिया अदा किया। वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का रूप मानकर उसका धन्यवाद किया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो साधु किसी से कुछ भी कह नहीं रहा था। बस वो मंद मंद मुस्कुराता रहा और अपनी राह की ओर चला गया। दोस्तों, इसके बाद अजय ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया और 101 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे महादेव शिव अपने भक्तों पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए कर रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें। अगर महादेव शिव के आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में एक बार जोरदार जयकारा हो जाए हर हर महादेव का। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।